जी ये हमने खोला है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और एजवे रोड की कॉर्नर मार्बल आर्च पे। बहुत आइकॉनिक लंदन की लोकेशन है। बड़े लकी थे हमें ये साइट मिली है यहाँ पे। और ये हमने रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट खोला है फिया का। इंटरनेशनल मेन्यू है, इट्स अ मिक्स फ्यूजन है, थोड़ी पैन एशियन, इटालियन, फ्रेंच और हलाल है सारा कुछ। और नीचे हमने नया कॉन्सेप्ट खोला है फिया अंडरग्राउंड बर्गर्स और फ्राइज। ग्रफिटी आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया इस दफ़ा नीचे वाले कॉन्सेप्ट के लिए। और वुमेन एम्पावरमेंट आर्टिस्ट ने हमारे म्यूरल्स किए हैं यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी एम्पावरिंग मैसेज जो इस साइट के साथ हम देना चाह रहे हैं अक्रॉस टू द वुमेन एज वेल। हमारा एक जेम्स स्ट्रीट में लोकेशन है बिल्कुल सेल्फ्रिजेस के पीछे, और दूसरी लोकेशन हमारी नाइट्सब्रिज में है हैरिट्स के सामने। ये हमारी माशाल्लाह थर्ड लोकेशन है। और मार्बल आर्च बहुत ही आइकॉनिक एक लंदन का लैंडमार्क है, तो यू नो हम चाहते थे कि इस एरिया में भी हमारी एक प्रोमिनेंट होए। और इस एरिया में एजवे रोड और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग था, इस तरह का खाना अवेलेबल नहीं था हलाल उसमें फाइन डाइनिंग स्टाइल में, तो वो हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस एरिया में। मैं लंदन मूव हुई थी कलनरी एजुकेशन परस्यू करने। गॉर्डन रैम्ज़े के स्कूल से मैंने अपनी कलनरी सर्टिफिकेशन की, और बस उसके बाद एक ये मेरा बचपन का शौक था कि मैंने अपना रेस्टोरेंट खोलना है, बेकरी खोलनी है। और बस फिर लंदन में ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, और साथ साथ हमने फिर अपनी पहली साइट जब जेम्स स्ट्रीट वाली खोली तो उसका रिस्पांस इतना अच्छा ओवरवेलमिंग था कि माशाल्लाह अब हमने अपनी थर्ड लोकेशन खोली है इन 4 ईयर्स। फिया हमने अभी खोला है ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड एजवे रोड। हमारे पास पहली लोकेशन है ऑक्सफोर्ड सर्कस के ऊपर और बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन के सामने, और एक नाइट्सब्रिज ब्रॉम्पटन रोड पे हैरिट्स के सामने। ये हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, और इधर दिस इज़ अ फुल ऑन रेस्टोरेंट, और नीचे हमारे पास स्ट्रीट फूड है विच इज़ इंस्पायर्ड बाई ग्रफिटी कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल ये ज़ारा खान जो शेफ़ माय वाइफ माय पार्टनर, उनका ये आइडिया था, और वी आर वर्किंग टुगेदर टू मेक श्योर के वी कम अप विद अ रियली गुड रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट इन लंदन। फेया जो है वो इट्स अ फ्यूजन फूड, फ्रेंच और मिडिल ईस्टर्न का ट्विस्ट है, और वी हैव केक्स एंड पेटिस्ट्री एज वेल। तो पहली लोकेशन हमने खोली सेल्फ्रिज के साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। उसके बाद हमने नाइट्सब्रिज खोला जस्ट बिफोर कोविड, और ये हमारी थर्ड लोकेशन है कोविड के बाद, और ये हमारा फ्लैगशिप स्टोर है। मैं नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और उसके बाद मैं बिग फोर अकाउंटेंसी फर्म में मैंने काम किया, फिर मैं बैंकर था, और जो मेरी वाइफ है ज़ारा वो गॉर्डन रामज़े जो सेलिब्रिटी शेफ़ है उसके स्कूल से ट्रेनिंग ली उसने एज ए शेफ़। तो हमारा एक आइडिया था कि वी स्टार्ट आवर ओन बिज़नेस, और हमने लंदन में मिल के एक फर्स्ट साइट ली, और उसके बाद ज़ारा जो थी सो सक्सेसफुल कि वो फोर्ब्स लिस्ट पे आई। अमेरिकन एक्सप्रेस ने उसको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन हॉस्पिटैलिटी का अवार्ड दिया, उसके बाद ग्रेट ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला उसको। तो वी हैव सिक्योर्ड मल्टीपल अवार्ड्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और अब हमें अपने ये लोकेशन खोली है विच इज़ going to be a flagship store. ये बिल्कुल एजवे रोड पे है और बिल्कुल मार्बल आर्च ऑक्सफोर्ड सर्कस के कॉर्नर पे है। दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग। बिल्कुल यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन यूरोप। न्यू ब्लॉक है, कॉर्नर यूनिट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफ्लो है अरब्स का, टूरिस्ट का, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिस साइड ऑफ लंदन, और हाइड पार्क बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ की लोकेशन, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, आई थिंक सिक्योरिंग दिस लोकेशन एंड कमिंग अप विद अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस। अगर आप इंटीरियर्स देखें कैफ़े के और रेस्टोरेंट हमारा जो बेसमेंट में है, दिस इज़ फिनोमिनल। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स ओनली गोइंग टू मेक ऑल पाकिस्तानीज़ प्राउड।